Yes, till now we have covered regarding these topics: Weimar Republic, Rise of Hitler, and Enabling Act. Clear? Now I'm going to discuss with you peculiar features of Nazi thinking. Features of Nazi thinking. ठीक है? Nazi thinking का मतलब जो Hitler सोचता था वही Nazi party सोचती थी. तो Nazi thinking में हमने बताना है कि Hitler के views क्या थे, Nazi party के views क्या थे regarding their country. ठीक है? Number one, racial discrimination. ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है कि हिटलर ने सिर्फ अपनी ही रेस को प्रमोट किया. उसकी अपनी रेस कौन सी थी? आर्यन, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस. ठीक है, और इस रेस के लिए उसने क्या किया, 52 कम्युनिटीज को अनलिस्ट कर दिया. अनलिस्ट का मतलब होता है जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, टॉर्चर चैम्बर्स में या अनडिजायरेबल या फाइनल सॉल्यूशन के लिए उसने उनको जो है वहां पे डिपोर्ट कर दिया. देन फिर सेकंड हमने बताना है उसने क्या किया, दो थ्योरीज ली हैं, डार्विन एंड स्पेंसर. डार्विन एंड स्पेंसर कौन थे ये? ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड में जो फिट है सिर्फ उसी को ही जीने का अधिकार है, चाहे वो एनिमल है चाहे प्लांट्स, जो जिनकी वैल्यू है. यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी वैल्यूज है सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करो, ऐसे एनिमल जो फिट हैं सिर्फ वही वर्ल्ड में रह सकते हैं, जो कमजोर हैं वो वर्ल्ड में उनको जीने का कोई राइट नहीं. तो हिटलर ने इस आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी का पार्ट बना लिया. उसने कहा कि मेरी कम्युनिटी बेस्ट है, मेरी आर्यन रेस बेस्ट है, तो बाकी जो रेसेज हैं उनको जीने का कोई राइट नहीं है, तो इसलिए उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और टॉर्चर चैम्बर्स बनवाए गए. एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस थ्योरी को उसने अपनी थ्योरी में कैसे ऐड किया, इवन उसकी अपनी ही रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो फिजिकली चैलेंज थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, तो देवर ऑल्सो डिपोर्टेड टू गैस चैम्बर्स, क्योंकि उनका ये मानना था, हिटलर का ये मानना था कि दीज आर बर्डन ऑन द सोसाइटी, जो फिजिकली अनचैलेंज हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो डिसेबल्ड हैं, दीज आर द बर्डन ऑन सोसाइटी, उनको जीने का कोई राइट नहीं. ठीक है, थर्ड उसने क्या कंसेप्ट दिया, लिबेंसरम. लिबेंसरम का मतलब क्या है, यहाँ पे लिबेंसरम का मतलब होता है लिविंग प्लेस. लिबेंसरम का मतलब है लिविंग स्पेस फॉर हिज रेस. लिबेंसरम का मतलब है लिविंग स्पेस फॉर हिज रेस, अपनी रेस के लिए स्पेस जो है वो ऑर्गेनाइज करना या प्लेस ऑर्गेनाइज करना, जिसके लिए उसने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज पे अटैक किया, पोलैंड पे अटैक किया, रशिया पे अटैक किया, दो कंट्रीज के साथ मिलकर उसने ग्रुपिज्म की. कौन सी कंट्रीज? फर्स्ट जापान एंड सेकंड इज इटली. ठीक है, और इस तरह से उसने अपनी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि उसकी अपनी जो उसकी फीचर था या उसकी अपनी आइडियोलॉजी, उसने हिटलर पार्टी के लोगों को भी अपनी तरह ही बना दिया. ठीक है, देन जूश, टॉर्चर ऑन जूश. नेक्स्ट उसकी मतलब आइडियोलॉजी क्या है, जूश वर द वर्स्ट सफरर. वर्स्ट सफरर कौन थे? जूश या जूस. वाई? क्योंकि ये उनको क्या मानता था, किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट. ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया, जूश के लिए घेटोइजेशन. घेटोइजेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग घेटो एरिया जिनमें जूश को डिपोर्ट कर देते थे, मार्क्ड एरिया होते थे, सेपरेट एरियाज होते थे, जहां पर उनको अल्टीमेटली डेथ चैम्बर में जो है वो डिपोर्ट किया जाता था. ठीक है, इसके अलावा उसने एजुकेशन पे कंट्रोल किया, यूथ के ऊपर कंट्रोल किया, वुमेन के ऊपर कंट्रोल किया. ठीक है, और ये सारी फीचर्स आपने इसमें बताने हैं कि डेमोक्रेसी क्रश करने के बाद उसने अपनी कंट्री में हर तरह, यानी कि चाहे बच्चों पे, चाहे विमेन है, चाहे हर तरह की कम्युनिटीज पे कंट्रोल किया. इसको हम अलग अलग क्वेश्चंस में पढ़ेंगे और उनके पॉइंट्स बाद में इसमें लिख सकते, क्योंकि ये द मेन कॉमन क्वेश्चन, जब हम बाकी कंट्रोल्स पढ़ेंगे ना तो सारा आप इसमें लिख सकती हूँ. ठीक है, और इसमें स्टेप्स टू डेथ जरूर आपने बताना है, 3 स्टेप्स टू डेथ, एक्सक्लूजन, घेटोइजेशन एंड एनिहिलेशन. एक्सक्लूजन का मतलब होता है पहले उसने एक्सक्लूड कर दिया 52 कम्युनिटीज को, पहले उसने एक्सक्लूड कर दिया सोसाइटी से, फिर उसने सेकंड क्या किया, उनके लिए घेटो सेंटर्स बनाए, घेटोइजेशन कहा जाता है. एंड थर्ड एनिहिलेशन का मतलब होता है फाइनल डेथ. और ये बच्चे जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे द कंसेप्ट विल नॉट बी क्लियर टू यू. यू हैव टू रीड द स्टोरी एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली फॉर गिविंग